24 साल की उम्र में मैंने अपनी शुरुआत प्रोड्यूसर तमन्ना नाम की फिल्म के साथ की थी। 24 साल की उम्र में मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टार थी, मगर कहीं ना कहीं अंदर एक एम्प्टीनेस मैं महसूस कर रही थी और मैं चाहती थी कि आई गिव समथिंग बैक टू दिस इंडस्ट्री। उस टाइम पे अपनी शुरुआत मैंने तमन्ना के साथ की थी, विच वॉज अ रियल लाइफ स्टोरी अबाउट अ यूनक कॉल्ड टीकू, जिसने एक छोटी सी लड़की को अडॉप्ट करके जिंदगी दी थी। और 24 साल की उम्र में मुझे मेरा पहला नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी टेलिंग एंड फिटिंग दैट आज कशिश जैसे फिल्म फेस्टिवल में मैं हूँ, बिकॉज आई थिंक कि जब हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं, वो स्पेशल राइट्स नहीं है, तो वी शुड नॉट बी बेगिंग फॉर इट, वी शुड बी डिमांडिंग इट, एंड दैट्स व्हाट आई एम हियर टू रीइंस्टेट। जो कॉज है, जो यहाँ पर गे लेस्बियन ट्रांसजेंडर जो भी फिल्म हैं और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं भी खिलाफ हूँ। और ये कॉज मेरे दिल के काफ़ी करीब है, काफ़ी मेरे दोस्त जिनको मैं जानता हूँ जो सफ़र करते हैं इस मामले में। और मुझे अप्रोच किया गया कि इस बार मैं क्या जूरी का मेम्बर बनना चाहूँगा, तो आज मैं प्रिविलेज एंड ऑनर, इसलिए मैं जुड़ा हूँ। आई टोटली आई थिंक दैट ये ह्यूमन राइट्स इशू है एंड ये एक शेम की चीज़ है कि अभी भी 21st सेंचुरी पे वी स्टिल हैव आर्काइवल कॉलोनियल लॉ जिससे लोगों को बेसिक ह्यूमन राइट्स से डिप्राइव किया जा रहा है। जी, मैं कशिश और इंटायर कम्युनिटी आई थिंक इनको सपोर्ट करती हूँ और आई डू इट आउटसाइड द क्लोजेट, नॉट फ्रॉम इन द क्लोजेट। तो सपोर्ट भी जो है ना वो क्लोजेट के बाहर से होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम हियर टू से इट। एंड आई थिंक दैट एट द एंड ऑफ द डे आई एम अमेज्ड दैट वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे अगर आप दो आदमी एक आदमी के हाथ में एक बंदूक देखेंगे आप चौंकेंगे नहीं, मगर अगर दो आदमी को हाथ पकड़ते देखेंगे आप चौंक जाते हैं। अजीब दुनिया है। मैंने कई फिल्म्स देखी हैं यहाँ पे, जो शॉर्ट फिल्म्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, फुल फ्लेज फीचर फिल्म्स भी हैं, तो काफी हद तरह की, जैसे हर एक फैसल में अच्छी फिल्म्स भी होती हैं, बुरी फिल्म्स भी होती हैं, मगर इंटरेस्टिंग है, बोल्ड है, और काफी फिल्म्स इंडिया से, साउथ इंडिया से, स्मॉल एरिया जहां आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वहां से जनरेट हुई है फिल्म, एंड वी आर वेरी थ्रिल्ड। आई एम नॉट हेल्पिंग एनीबॉडी, आई एम हेल्पिंग मायसेल्फ, आई एम नॉट हेल्पिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मायसेल्फ एंड अ होल लॉट ऑफ पीपल अबाउट ह्यूमन राइट्स व्हिच आई केयर। And if you are someone who likes to speak generally overall, rather being quiet and a bystander, then it's not difficult. देखिए, दो डिफरेंट इश्यूज हैं। एक है कि इस इश्यू के बारे में बोलना, एक है इश्यू कि अगर आप गए हैं उसको फ्रंट में आना, एक्सेप्ट करना पब्लिकली। वो तो ऑब्वियसली जाहिर है कि सोसाइटी का जो प्रेशर रहता है उसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन है, काफी लोग 10 बार सोचते हैं उसे पहले आने में। एंड दिस फेस्टिवल आई एम प्राउड द फिल्म फ्रॉम 23 कंट्रीज, इंडिया से काफी फिल्म हैं, दे आर वेरी बोल्ड पीपल, एंड आई थिंक नॉट ओनली पीपल, जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल कहने का मतलब जो हेट्रोसेक्सुअल, जो क्लीशेड नॉर्मल कहा जाता है, उनके लिए भी ये है एजुकेशनल थिंग, सेइंग लुक व्हाट्स द बिग डील, इट्स जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर यू नो बीइंग। और जो काफी लोग हैं जो गे लेस्बियन या ट्रांसजेंडर हैं, उनको बताना कि दे आर नॉट अलोन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, and there is something you rejoice, it's not to be ashamed of or to hide or to be embarrassed. हिंदुस्तान में बहुत सारी फिल्में बनी हैं, नंबर एक लैग थिंग्स आर चेंजिंग परसेप्शन, जैसे मैंने कहा कि 97 में मैंने खुद तमन्ना बनाई थी एट द एज ऑफ 24, बट आई थिंक जब तक मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट खुद आके एक गे या लेस्बियन कैरेक्टर प्राइड के साथ नहीं प्ले करेंगे, एंड ऑल्सो कैरेक्टर हु इज नॉट अ कैरिकेचर, बहुत सारे फिल्म्स में मैं देखती हूँ कि यू ऑलवेज यूज अ गे और लेस्बियन कैरेक्टर एज अ कैरिकेचर टू इवोक लाफ्टर, द डे दैट स्टॉप्स, द डे वी हैव अ मेनस्ट्रीम एक्टर जो डरता नहीं है, हिचकिचाता नहीं है कि अगर मैं एक गे कैरेक्टर प्ले करूंगा तो लोग मुझे गे समझेंगे, मगर एक मर्डरर प्ले करने में वो हिचकिचाते नहीं है, एक टेररिस्ट प्ले करने में वो हिचकिचाते नहीं है, सो वाई द डबल स्टैंडर्ड। सो आई थिंक फेस्टिवल्स लाइक दिस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज यू ब्रिंगिंग इट इन टू द मेनस्ट्रीम, पीपल हु आर फ्रॉम आउटसाइड आर ऑल्सो कमिंग एंड वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज डर तो वहीं से फैलता है अगर लोग आपको जानते नहीं है, दैट्स वाई इट वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेप आउट एंड स्पीक अप।